खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक, घटना हो या दुर्घटना, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, बातें होंगी आपके शहर की, उत्तर प्रदेश की हर खबर से यूपी जंक्शन पर। संबल समाजवादी युवा जनसभा के प्रदेश सचिव भावेश यादव का बयान, कहा कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा स्थल को सपा नेताओं ने आज गंगा जल छिड़क कर इस पावन धरती को पवित्र करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कैला मैया के दर्शन करने तक की भी फुर्सत नहीं थी। सूबे के मुखिया जी को बात करते हैं, हिंदू बात की, हिंदू मुस्लिम को दूर करते आ रहे हैं, दलित समाज के साथ भेदभाव करते आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, मेरा नाम इंजीनियर भावेश यादव है और मैं समाजवादी के युवा जनसभा से जो है प्रदेश सचिव हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए हुए थे, तो मैं उनको जो है योगी नहीं, मैं उनको ढोंगी कहूँगा। और ढोंगी इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर वो वास्तव में योगी होते तो वो जनता तो क्या, जैसे देवी देवताओं में कल जो भेदभाव करके गए हैं, आपने देखा कि वैसे तो वो जो है योगी बनते हैं, लेकिन क्या उनको जो है यहाँ जो है संबल की सरजमी पर वो आए थे, तो संबल जो है माँ कुलदेवी कैला देवी के सानिध्य में जो आशीर्वाद से पूरे संबल की जनता यहाँ रहती है, तो क्या उनको जो है माँ कैला देवी का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनता के साथ साथ देवी देवताओं में भेदभाव किया। वो भेदभाव शुरू से करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने देखा, एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को योगी बताता हो, क्या उसके जनता के साथ उन्हें भेदभाव करना चाहिए? उन्होंने हमेशा भेदभाव किया पिछड़ों के आधार पर, दलितों उसके साथ उन्होंने भेदभाव किया, उन्होंने अल्पसंख्यकों के आधार पर भेदभाव किया। उन्होंने कोई भी भर्ती आई हो उसमें जो है पिछड़ों के साथ उन्होंने छल किया। आज थानों की पोस्टिंग देख लीजिए आप, अधिकारियों की पोस्टिंग देख लीजिए, उन्होंने जो उसमें भेदभाव किया, पिछड़ों को साथ भेदभाव किया। एनकाउंटर हुए, उस जो एनकाउंटर किए गए उसमें एक जाति को काउंटर किया गया, वो एक जाति के साथ भेदभाव किया गया। तमाम आपने पुष्पेंद्र यादव ने देखा होगा, झांसी के अंदर एनकाउंटर हुआ तो पुष्पेंद्र यादव के साथ एनकाउंटर किया गया। उसके बाद 13 पावर रोस्टर, वो ऐसे ऐसे कानून लेकर के आए जिससे कि वो हमारे पिछड़े समाज का जो है छात्र जो है शिक्षक ना बन पाए, या पिछड़े समाज के छात्र जो अपनी शिक्षा ग्रहण ना कर पाए। तमाम योजनाएं उन्होंने ऐसी ऐसी लेकर के आए जिन्होंने पिछड़ों के साथ भेदभाव किया, दलितों के साथ उन्होंने भेदभाव किया। तो हाथरस में आपने देखा किस तरीके से दलित बेटी के साथ हुआ, वहाँ उन्होंने एक भेदभाव किया, अपनी जाति स्वजाति के जो आरोपी थे उनको बचाने के लिए उन्होंने किस तरीके से हथकंडे अपनाए, उस महिला के साथ जिसके साथ रेप हुआ उसको रात में ही जो जला दिया गया हाथरस के अंदर, उस पीड़िता को न्याय नहीं देने दिया गया। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कह दिया कि उसके साथ को रेप नहीं हुआ, वो तो हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, तो उस बेटी को न्याय मिल गया, वरना ये लोग तो उसको न्याय भी नहीं देना नहीं चाहते थे।